अरे वाह, ये कितना सुंदर है। अगर ये बड़ा होता तो मैं इसकी सवारी जरूर करता। मैंने कहा बड़ा हो जा और ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये मेरी हर बात मानेगा। चलो मुझे आसमान की सैर कराओ। Come on, Lilliput, let's go! नहीं बंटी, रुक जाओ, मत जाओ! बंटी! चिंटू! अब क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हो? पूछ रहे हो, अब क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? वो गुलिवर ट्रैवल वाली बुक के लिलीपुट जिंदा कैसे हो गए? तुम्ही ने जादू किया होगा। हाँ, बात तो सही है, चुटकी तो मैंने ही बजाई थी, पर ये सब हो गया मुझे याद ही नहीं था। तो अब बंटी उड़ गया है, उसे वापस लाओ और इन सबको जहाँ का तहाँ करो। ओके बॉस, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, बंटी को वापस करो और सबको जहाँ का तहाँ कर दो। अरे मेरा तो जादू इन पे काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरे ही जादू से बने हुए हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा। लो, मैं तुम्हें भी यूनिकॉर्न देता हूँ, तुम उसे जाके चेस करो। जाओ वीर, जाओ ना। मैं भी चलूंगी। वाओ, यकीन नहीं हो रहा मैं उड़ सकता हूँ। रुक जाओ बंटी, वापस चलो, ये जादू का यूनिकॉर्न है, इसे वापस भेजना होगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। ऐसे तो उसे पकड़ना मुश्किल है। तुम कस के मुझे पकड़े रहो, कोई तरकीब लड़ानी होगी। ए बंटी, तुम ये कर सकते हो क्या? तुम मेरी तरह नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो। बहुत मजा आ रहा है वीर। जल्दी जाओ वीर, वो फुर्सतगंज में अंधेरे वाली जगह में एंटर करने वाला है। ये क्या हो गया, इधर अंधेरा क्यों है? अरे रोशनी की तरफ भागो। अरे अरे वापस भागो, अरे सामने तो बर्बादी ही बर्बादी है, वापस भागो। जल्दी, जल्दी करो। दादाजी ये लो क्रिस्टल बॉल। नहीं, नहीं, तुम उसकी पावर्स बाहर नहीं निकाल सकते। टिम्बकटू अटैक!
क्रिस्टल बॉल से प्लैनेट्स की पावर वापस हो गई तो दोबारा नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। आ गया है वो, देखो अब सोच क्या रही हो, चलो मस्ती करते हैं। मेरी वाइफ का पीछा छोड़ो। अच्छा तो रुको, तुम्हारे पीछे पड़ जाती हूँ। भागो। जल्दी चलो, वीर खतरे में है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब देखो वीर दूसरों की ही सोचता है, मेरी नहीं सोचता। लोगों को क्या अच्छा लगेगा यही सोचता है, मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं सोचता। ये झूठ है जिंटू, वीर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारा मालिक है लेकिन दोस्त की तरह पेश आता है, कभी तुम्हें ऑर्डर नहीं करता, प्यार करता है। दुनिया में सबको जादू नहीं दिखा सकते, लोग फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, सब लोग तुमको पाने के लिए लड़ने लगेंगे। तुम्हारी वजह से वीर खतरे में है, तुम उसके कैसे दोस्त हो? शर्म आनी चाहिए, अपने ही दोस्त को मुसीबत में डाल दिया। वीर जैसा दोस्त चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। जब देखो उसे मुसीबत में डालते रहते हो, वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता है। उप्स, सॉरी इमली, सॉरी तुम्हें इस रूप में कभी नहीं देखा, आई एम वेरी सॉरी। चिंटू, सॉरी सॉरी करने से काम नहीं चलेगा, अब चलो वहाँ। ए बच्चन लोग, और हमारे पैसे तो दे दो भाई। आ जाओ, शौक पूरा कर लो। कमान कमान फाइट, कम 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 कम। अब मेरे ऊपर दोष मत लगाना। वीर, वीर, रुको, रुक जाओ। अगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये लो, ये लो, और भी लो। ये लो, ये लो, ये बच्चों। वाह, मारा। ये बच्चों। वो मारा। मजा आ गया। और मारो, और। Ah!
अपनी पार्टी में ले जाने का टाइम आ गया है। बाय। क्या हुआ बच्चों? दादाजी, वीर के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और वीर ने सब चौपट कर दिया। वो उस कमरे में छुपा है, जाओ और पकड़ लो उसे। वीर, डर के छुपे क्यों हो? हिम्मत है तो लाइट जलाओ। मैंने और चुलबुल ने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी और तुम सब सामान खा गए। ओ नो, मुझे नहीं पता था तुमने पार्टी रखी है। वैसे मैंने कुछ नहीं खाया, ये जिंटू की शरारत होगी। लाइट जलाना फिर, अंधेरा क्यों है? ये क्या वीर? खुशी है कि फाइट में मुझे रेफरी बनाया गया है। हमारी आज की फाइट है फुर्सतगंज के चिंटू और फालतूगंज के बॉक्सर टैंगो के बीच। ओके, रेडी। चिंटू, ऑल द बेस्ट। देखो माके चिंटू। ओके। ये दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? जिंटू, फाइट शुरू तो हो जाने दो। उप्स, सॉरी। जिंटू, टैंगो, रेडी। जब मैं बोलूंगा तो फाइट शुरू करना। स्टार्ट फाइट। आठ, सात, छः, पाँच। चिंटू, काउंटिंग तुम नहीं रेफरी करते हैं जब कोई बॉक्सर गिरता है। ये दिन में तारे फिर से दिख रहे हैं। ओह, ओके, फाइट। Tango! ये रोबोट्स तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अब क्या किया जाए? स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए कहीं रुकना होगा। दादाजी, अब क्या होगा? एक तो रात हो गई, ऊपर से ये रोबोट हमारे पीछे लगे हैं, और वीर बेचारा इस वक्त ना जाने किस हाल में होगा। दादाजी, आप चिंता मत करना, मैं सुरक्षित हूँ और सवेरे होते ही यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। ओके वीर, तब तक रात में मैं तुम्हारे सारे सूट्स की सर्विसिंग कर देता हूँ। उससे पहले मेरे रोबोट्स वीर का खेल खत्म कर देंगे। वीर, वीर तुम कहाँ हो? मैं यहाँ खाई के नीचे एक छोटी सी केव में छुपा बैठा हूँ इमली।
लेकिन तुम चिंता मत करो, सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकलकर तुम लोगों के पास पहुँच जाऊँगा। टिम्बक्तु, तुम वहाँ वीर को ढूंढ रहे हो या मौसम की सैर कर रहे हो? जाओ देखो, वो खाई में नीचे एक छोटी सी केव में छुपा बैठा है। सब रोबोट को लेकर वहीं जाओ। जा! दादाजी, आप तो एकदम फिट रहते थे, आपकी बॉडी को आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ नहीं। अरे ये क्या लगा दिया, पूरा पूरा बदन जल रहा है। दादाजी? कुछ नहीं, पता नहीं क्या लगा दिया मेरे दोस्त ने बाप की जगह। देखो देखो, ये स्प्रे तो ठीक है, इससे तो कभी ऐसा नहीं होता। दादाजी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप तो फिट और स्ट्रॉन्ग है। चलिए जॉगिंग तो हो गया, अब कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना? मैं खाना बना के लाता हूँ। क्या 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 बना के लाते हो? दादाजी आप फिर भूल गए, 20 किलोमीटर जॉगिंग के बाद 20 मिर्ची के पराठे और 20 ग्लास करेले का जूस भी तो आप पीते हैं, यही तो आपकी सेहत का राज है। क्या 20 मिर्ची के पराठे और 20 ग्लास करेले का जूस? मैंने सब बना के ही रखा है दादाजी, आइए। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी आपने कहा था जब भी आप मना करें तो मैं जबरदस्ती आपको खिलाऊं, क्योंकि ये खाना आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखता है। चलो कुछ पराठे और बना लेते हैं। हाँ चलो। टिम्बक्टू, मैं कहाँ के फंस गया, ये तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। क्या बॉस, ये तो आपके ही मैड दिमाग का बैड आइडिया था। दादाजी ये लो कॉकटेल जूस। यानी के ऑरेंज और मौसम्बी? नहीं दादाजी, वो तो आपके सेहत के लिए बुरा है, ये करेले और मिर्ची का जूस है। क्या? नहीं 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 नहीं। कम ऑन दादाजी, पी लो। गुड दादाजी, आपने कहा था ना जब भी आप मना करो तब मैं आपको जबरदस्ती पिलाऊं। बॉस चलो यहाँ से, भाग लेने में ही हमारी भलाई है। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। अब मेरे स्पेशल रोबोट आके वीर को खत्म कर देंगे। बस बात हो गया दादाजी का नाटक।